Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Now I am going to teach you the social study for class 5. Social study for class 5. Now open the books and move on the unit number 3. Unit number 3, chapter number 1. In unit number 3 and chapter number 1, we read about the climates and weather. Climates and weather. We read about climates and weather. What is weather? What is weather? Weather kya hai? Weather is an atmosphere, conditions of place at a certain periods of time. Yani weather ek aisi condition hai, ek aisi atmospheric condition hai, जिसमें वो विद अ सर्टन ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती जाती है. यानी जैसे कि आज जो है वो मौसम गर्म है, आज मौसम जो है वो ठंडा होगा, या आज बारिश वाला मौसम होगा. ये सारा क्या है? ये वेदर्स हैं. इसकी जो सर्टन पीरियड्स हैं, सर्टन टाइम्स हैं, ये सारा वेदर है. वेदर कैन चेंज मैनी टाइम्स इन अ डे. वेदर जो है वो चेंज होता है मैनी टाइम्स, बहुत टाइम दफ़ा, बहुत दफ़ा इन अ डे, एक ही दिन में. यानी एक ही दिन में वेदर जो है वो बहुत दफ़ा चेंज होता है. फैक्टर्स डैट इफ़ेक्ट वेदर्स आर, यानी वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वेदर्स पे, वो कौन कौन से हैं? फैक्टर्स डैट इफ़ेक्ट, जो असरानंदाज होते हैं हमारे माहौल पे, हमारे मौसम पे, वेदर पे, वो कौन कौन से हैं? नंबर वन इज प्रीसिपिटेशन, रेनफॉल यानी बारिश का होना, स्नोफॉल बर्फबारी होना, और हेल यानी ये पहाड़ों वगैरह पे जो बर्फबारी होती है, आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीसिपिटेशंस. यानी ये डिफरेंट टाइप्स हैं प्रीसिपिटेशंस की. नंबर वन इज़ मॉइस्चराइज. मॉइस्चराइज इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर. यानी अगर हवा में नमी वगैरह है, मॉइस्चराइजिंग हवा जो है वो है, तो वो भी हमारे वेदर को जो है वो अफेक्ट करती है, वो उसका फैक्टर है, उसको चेंज करती है. टेम्परेचर. टेम्परेचर डिस्क्राइब्स हाउ हॉट और कोल्ड द वेदर. यानी टेम्परेचर जो है वो बताता है जैसे आज कितना टेम्परेचर है, आज टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है. ये क्या बताता है? ये बताता है कि मौसम जो है वो गर्म है या ठंडा है. क्लाउड्स. क्लाउड्स आर विजिबल मैस ऑफ कॉन्डिनेस वाटर प्योर डैट फ्लोट इन द एटमोसफियर डैट ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन. यानी क्लाउड्स जो हैं एक ऐसी विजिबल मास है ऑफ कंडेंस्ड वाटर व्यूर डैट फ्लोट इन द टेम्परेचर. यानी बादलों की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, इसके बारे में वो हमें बताते हैं. एंड दे ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन. और ये इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाता है. एंड दे ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन. और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है. जो बादलों की डिफरेंट कंडीशंस हैं, यानी या तो बादल जो हैं वो आसमान क्लियर है, या वो स्ट्रेटरस्ट क्लाउड्स जो हैं, यानी वो जो है वो गहरे बादल हैं, या फिर वो क्यूमुलस हैं. क्यूमुलस क्लाउड्स मीन या तो वो बारिश बरसाने वाले बादल हैं. तो ये सब जो हैं, ये हमारी जो कंडीशंस हैं टेम्परेचर की, हमारी जो वेदर्स की कंडीशंस हैं, उसको चेंज कर देते हैं. टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में हम लोग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में पढ़ेंगे कि क्लाउड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में नंबर वन इज सीरियस क्लाउड्स आर द मोस्ट कॉमन क्लाउड्स. सर्कस क्लाउड्स आर द मोस्ट कॉमन क्लाउड्स. यानी ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्लाउड्स हैं. दे आर मेड ऑफ आइस एंड आर देन थिनी क्लाउड ब्लोन इन द हाई वाइंड्स. सर्कस क्लाउड्स आर यूजली वाइट एंड प्रडिक्ट फेयर टू प्लेजेंट वेदर. यानी आप देखें ये क्लाउड्स की उन्होंने पिक्स दिखाई हैं कि ये जो सर्कस क्लाउड्स हैं, ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन क्लाउड्स है. यानी आपको मोस्टली इस तरह के बादल जो हैं वो देखने को मिलते हैं. एंड दे आर मेड ऑफ आइस आर थिन क्लाउड्स ब्लोन इन द हाई वाइंड. यानी आपको बहुत ऊंची हवा में इस तरह के बादल जो हैं वो एक बर्फ़ की शक्ल में, एक आइस की शक्ल में नज़र आएंगे. उसके बाद नेक्स्ट अप हमारे पास आ रहा है सर्कस क्लाउड्स आर यूजुअली वाइट. यानी ये वाइट होते हैं एंड प्रेडिक्ट फेयर टू प्लेजेंट वेदर. और इससे जो है वो बहुत मौसम जो है वो फेयर होता है, साफ़ सुथरा होता है, खुशगवार होता है. बाय वॉचिंग द मोमेंट ऑफ सर्कस क्लाउड्स यू कैन टेल
फ्रॉम विच डायरेक्शन वेदर इज़ अप्रोचिंग, यानी ये इस तरह के बादल होते हैं, इनकी मूवमेंट इस तरह की होती है कि जिसको आप जो है वो क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर जो है वो किस कंडीशन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी वो मशरक़ की तरफ, मगरब की तरफ, यानी कौन से वो ईस्ट वेस्ट या कौन सी तरफ जो है वो उसकी मूवमेंट है। नेट है स्टार्टर्स क्लाउड्स। स्टार्टर्स क्लाउड्स आर यूनिफॉर्म ग्रेश क्लाउड्स डैट ऑफ्टन कवर द इंटायर स्काई, यानी एक ऐसे क्लाउड्स होते हैं जिन्होंने पूरे आसमान को कवर किया होता है। एक ऐसी क्लाउड्स की एक टाइप है, या इसको हम लोग दूसरे से इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसने तमाम जो बाद आसमान है उसको कवर किया होता है। दे रिजेंबल फॉग डैट डज नाट रीच द ग्राउंड, यानी ये एक इसको रिजेंबल कर सकते हैं आप फॉग की तरह, धुंध की तरह, जो ज़मीन पर नहीं पहुँच पाती है। लाइट में स्टार्ट रिजल्ट समटाइम फॉल्स आउट ऑफ दीज क्लाउड्स, यानी इस तरह के जो क्लाउड्स हैं इनमें से या तो धुंध वगैरह निकलती है या समटाइम्स जो है ड्रिजल जो है वो इसमें से गिरते हैं, यानी इसमें से पानी के जो है ना वो कतरे वगैरह गिरते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट, यानी क्यूमुलस क्लाउड्स की अभी इसने थर्ड टाइप जो क्लाउड्स हैं इसके बारे में बताया कि क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट, यानी ये वाइट होते हैं। पफी क्लाउड्स होते हैं डैट लाइक पीसीज ऑफ फ्लोटिंग कॉटन, यानी कॉटन के पीसीस की तरह फ्लो करते हैं, उड़ते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स आर ऑफ्टन कॉल्ड फेयर वेदर क्लाउड्स, यानी इनको फेयर वेदर क्लाउड्स कहा जाता है। एंड दीज क्लाउड्स ग्रो अपवर्ड एंड दे कैन डेवलप इनटू गाइंट क्यूमुलस बियंस एंड क्लाउड्स, यानी ये जो हैं ये अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, और उसके बाद जो है वो आसमानों पे यानी डिफरेंट जो कॉल्स वगैरह होती हैं वो बनाते हैं। विच आर क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट, यानी ये वाइट होते हैं। पफी क्लाउड्स डैट लुक लाइक पीस ऑफ फ्लोटिंग कॉटन, यानी ये फ्लोटिंग कॉटन के पीस होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स आर ऑफ्टन कॉल्ड फेयर वेदर क्लाउड्स, यानी यहाँ इनको फेयर वेदर क्लाउड्स का नाम दिया जाता है। एंड दीज क्लाउड्स ग्रो अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। दे कैन डेवलप इंटू गाइंट क्यूमुलस क्लाउड्स, यानी और भी ये जो है ना आसमान पर डिफरेंट टाइप्स के जो गाइंट्स यानी शिकार वगैरह बना देते हैं। विच आर थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स हैं। What is climate? अब हमारे पास आ रहा है what is climate? Climate क्या है? Climate is an average weather of a place over a long period of time. यानी आप weather जो है वो daily basis पर change होता है, लेकिन जो climate है for a long period of time हम लोग कह सकते हैं कि अब जो है वो हमारा जो climate है वो उसकी situation ये रहेगी। Usually average of 30 years, यानी 30 साल तक आप कह सकते हैं कि अब हमारा जो climate है, हमारी जो आबहवा है वो इस तरह की रहेगी। Climates are different all across the world, यानी पूरी दुनिया में ये जो है एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। उसके बाद है प्लेस नियर द इक्वाटर आर हॉटर हैव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, यानी ये जो है आप मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे जो है इसके डिफरेंट जो है वो अफेक्ट होते हैं। एज अ डिस्टेंस फ्राम इक्वेटर इंक्रीज द क्लाइमेट्स बिकम कूलर, यानी आप जो है इससे ये क्लाइमेट का इस तरह का उसने डिस्क्राइब किया है कि जो रेनफॉल होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एज अ डिस्टेंस फ्राम द इक्वेटर इंक्रीज द क्लाइमेट बिकम कूलर एंड दीज आर द क्लाइमेट zones that are tropically temperature and polar, yani इसमें भी उसने कहा है कि यहाँ तो इसमें मौसम बहुत ज़्यादा यानी गर्म होता है क्लाइमेट जो है, या फिर रेनफॉल यानी या तो फिर बारिशों वगैरह के बारे में जो है वो पेशेंगोई की जाती है। इसके अलावा इसमें ये जो है ना ये आप क्लाइमेट से बिकम कूलर यानी या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाता है। दिए आर थ्री क्लाइमेट जोन्स डैट आर ट्रॉपिकली टेम्परेचर एंड पोलर, यानी इसकी थ्री क्लाइमेट्स की जो जोन हैं इसकी जो टाइप्स हैं अब हम लोगों को लुक एट द मैप टू द डिफरेंट बिटवीन रीजन्स, यानी रीजन्स के लिहाज से जो डिफरेंस आ रहा है क्लाइमेट में वो क्या है। टेम्परेट रीजन यानी टेम्परेच है, उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन है एंड पोलर रीजन है। नंबर वन द हायर अ प्लेस द कूलर इट इज़, यानी जितनी ज़्यादा हायर ऊंचाई पे आप जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आप जो है वो ठंड महसूस करेंगे। दिस एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर ऑफ प्लेन इज़ हायर देन माउंटेन्स, यानी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो टेम्परेचर है ऑफ प्लेन्स इज हायर देन माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ हॉटर इन पंजाब बट यू एज यू ट्रेवल नॉर्थ टू द माउंटेन्स एरिया द टेम्परेचर गेट्स कूलर, यानी पंजाब में अगर मौसम जो है वो गर्म है लेकिन
हैं आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे टू द माउंटेन्स एरिया, माउंटेन यानी जो पहाड़ी इलाका है, तो आप देखेंगे टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता जा रहा है। वाटर रिटेन्स हीट लॉन्गर दैन द लैंड डज, यानी पानी जो है वो रिटेन्स हीट लॉन्गर दैन लैंड डज, यानी जितनी ज़मीन जो है वो हीट को ऑब्जॉर्ब करती है पानी उससे ज़्यादा करता है एज ए रिज़ल्ट। और फिर एज ए रिज़ल्ट इन विंटर द प्लेस नियर सी आर वार्मर एंड इन द समर द सी शोर्स एंड सराउंडिंग एरिया आर कूलर दैन लैंड। इसी तरह जब आप विंटर में जो है जो प्लेसेस समंदर के पास होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, और जो समर्स इन समर्स में द सी शोर्स एंड सराउंडेड एरिया आर कूलर दैन लैंड। इसी तरह जब गर्मी आती है तो वो जो समंदर का पानी है वो आबी बखरात की शक्ल में, बारिश की शक्ल में बरसता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ का एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है। क्लाइमेट एंड वेदर कंपैरिजन, क्लाइमेट और वेदर में जो कंपैरिजन है, क्लाइमेट इज़ एवरेज वेदर ऑफ प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 30, यानी 30 साल तक आप बता सकते हैं कि आपकी आबोहवा कैसी रहेगी, आपका जो मौसम है वो कैसा रहेगा इन आने वाले 30 सालों में। या तो वो बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी या फिर जो है वो क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, इसको हम लोग कहते हैं ये क्लाइमेट है। ओवर 30 ईयर्स तक आप इसको जो है इसकी पेशेनगोई कर सकते हैं। एंड क्लाइमेट चेंज ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसी तरह क्लाइमेट जो है वो ये बहुत लॉन्ग ऑफ टाइम के लिए जो है ना वो चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसी तरह क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म, यानी एक लॉन्ग टर्म है। आप एक बहुत लंबे अरसे तक बता सकते हैं कि क्लाइमेट जो है वो कैसा रहेगा। क्लाइमेट इज़ अ रीजनल, ये रीजनल है। उसके बाद वेदर इज़ अ डे टू डे पैटर्न, यानी ये दिन ब दिन चेंज होता है, यानी आज का मौसम कैसा है कल का कैसा होगा। इट इज़ व्हाट वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट डेली ऑन टीवी एंड रेडियो, इसी तरह जो है वो मौसम की जो खबरें होती हैं वो भी आप डेली बेसिस पर टीवी एंड रेडियो पे सुनते हैं। वेदर चेंज एवरी डे समटाइम इन आवर्स, यानी वेदर जो है वो चेंज होता है एवरी डे, बाज़ुकात ये है कि आवर्स में भी चेंज हो जाता है, यानी अभी खुशक मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो क्या पता थोड़ी देर बाद है वो बारिश शुरू हो जाए, इसलिए ये डे टू डे भी चेंज होता है और समटाइम्स इन आवर्स में भी चेंज होता है। वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म एंड टेम्परेरी, यानी ये शॉर्ट टर्म होता है और टेम्परेरी होता है। वेदर इज़ अ लोकल, यानी ये लोकल है, ये आप जो है आपकी लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है, जबकि हमने पढ़ा था क्लाइमेट इज़ रीजनल, यानी ये जो है ये ओवरऑल जाता है। इसी तरह जो वेदर है ये, यानी देखें अगर समटाइम ऐसे होता है कि यहाँ का जो सियालकोट का जो वेदर है वहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन जब आप सियालकोट से निकलेंगे इस एरिया से निकलेंगे तो क्या पता वहाँ पे बारिश ना हो रही होती। ये जो है ये लोकल है, यानी ये लोकली जो है वो चेंज होता है, हर घंटे बाद कभी कुछ इसका वेदर होगा। इसी तरह हमारे पास आता है मेजर क्लाइमेट्स ग्रुप्स, यानी जो मेजर क्लाइमेट्स के जो ग्रुप्स हैं उसमें नंबर वन हमारे पास आ रहा है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड है इसमें डिफरेंट जो है वो क्लाइमेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं क्लाइमेट्स की। एवरी ईयर एज ए सीजन चेंज, यानी जैसे ही सीजन जो है वो चेंज होता है द क्लाइमेट्स चेंज टू, इसी तरह क्लाइमेट जो है वो भी चेंज हो जाता है। दे मे गेट कोल्डर आर वार्मर, यानी या तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दे मे बी मोर सनलाइट आर लेस, मोर रेन्स आर लेस, यानी या तो इसमें बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है या लेस होती है या कम होती है, या बारिश बहुत ज़्यादा होती है या कम होती है। यू मे हैव वंडर्ड बाय वन एरिया इज़ अ डेजर्ट एंड अनदर इज़ अ फॉरेस्ट, यानी आप हैरान होंगे कि इस ज़मीन पे एंड अ थर्ड अ प्लेन, यानी आप इस बात पे हैरान होंगे कि एक एरिया जो है वो उसमें डेजर्ट है जबकि दूसरे एरिया में जंगलात हैं और जबकि तीसरा जो है वो प्लेन है। ये जो है ये क्लाइमेट्स की जो है वो ये ड्यू टू क्लाइमेट्स हैं। वाई आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इन ईच एरिया एंड वाई आर डिफरेंट डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, यानी इस तरह आप बता सकते हैं कि कितनी टाइप्स हैं एंड लाइफ इन ईच एरिया एंड वेदर डिफरेंट डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट्स, ये सब क्लाइमेट्स की वजह से हैं। यू कैन सी यहाँ पे दिखाया गया है वेजिटेशन इन अ वेरी वेट क्लाइमेट, यानी वेरी जो वेट है बहुत गीला जो क्लाइमेट है वहाँ पे देखें कि ये किस तरह, मतलब इस तरह उन्होंने जंगलात वगैरह का दिखाया गया है। और दूसरी साइड पे है वेजिटेशन इन अ वेरी ड्राई क्लाइमेट, और ड्राई क्लाइमेट में जो है वहाँ पे जो किस तरह के ये प्लांट्स वगैरह बने हुए हैं, और दूसरी साइड पे जो वेट क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे जो है वो किस तरह उन्होंने ये वेदर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। दीज टू टाइप्स ऑफ
वेगिटेशन शो डिफरेंट क्लाइमेट्स, यानी ये जो दो तस्वीरें हैं ना ये दिखाती हैं कि क्लाइमेट्स जो है वो एक जगह पे कैसा है और दूसरी जगह पे कैसा है। ऑन अ वेरी वेट एंड द अदर इज़ वेरी ड्राई, यानी एक साइड पे बहुत वेट है, वेट क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे देखिए कितने सरसब्ज प्लांट्स हैं, कितना गहरे जंगलात बने, और दूसरी तरफ ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से जो है वो ज़मीन सूखी हुई है और यहाँ पे जो है वो प्लांट्स को आपको बहुत कम नज़र आ रहे हैं। द क्लाइमेट्स बिकम कूलर एज वी ट्रैवल फ्राम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, यानी अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो वेदर जो है वो क्या होगा, क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता जाएगा। एंड देर आर फाइव मेजर क्लाइमेट्स ग्रुप इन द वर्ल्ड, यानी इसमें आप उसने कहा है कि फाइव मेजर क्लाइमेट्स की जो हैं टाइप्स हैं उसको फाइव मेजर पोर्शन में डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। नंबर वन इज़ मोस्टराइड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी द टेम्परेचर रिमेन हाई थ्रू आउट द ईयर इन द रीजन डैट फॉल इन दिस कैटेगरी, यानी इस कैटेगरी में जो है वो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है पूरा साल थ्रू आउट द ईयर। एंड देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर एज वेल, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो होती है वो बारिशों की होती है थ्रू आउट द ईयर एज वेल। अ पार्ट ऑफ आर कंट्री आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी, यानी इसमें हमारे मुल्क जो है वो भी शामिल है। देयर इज़ अ वेरी ड्राई सीज़न, यहाँ पे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ड्राई सीज़न होता है, एंड अ वेरी वेट सीज़न, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो वेट सीज़न होता है। इट बिकम्स वेरी हॉट जस्ट बिफोर द वेट सीज़न, यानी वेट सीज़न की वजह से ये जो है बहुत हॉट भी हो सकता है। ये भी एक जो है क्लाइमेट की टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, यानी इसको उन्होंने दिखाया गया कि मानसून इन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में मानसून होता है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, सैलाब का मसला आ जाता है, या फिर रेन होती है इन द रेन फॉरेस्ट, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा वेट सीज़न होता है और बहुत ज़्यादा हॉट भी होता है जैसे गर्मियों का सीज़न है जैसे आजकल। तो इसमें उसने कहा कि इसमें इस कैटेगरी में पाकिस्तान भी शामिल है, हमारा जो कंट्री है वो भी इस कैटेगरी में आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट है ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट में अब हमारे पास है इन दिस क्लाइमेट देयर इज़ अ वेरी लिटल रेन, यानी यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और टेम्परेचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स इन दिस क्लाइमेट्स, सेमी एरिड यानी ग्रास लैंड एंड एरिड यानी डेजर्ट, यानी यहाँ तो इसमें एरिड क्लाइमेट इन अ डेजर्ट यानी यहाँ सहरा वगैरह शामिल है, ये सेमी एरिड क्लाइमेट्स इन द ग्रास लैंड, या फिर इस तरह का इलाका है जहाँ पर पथरीले पहाड़ वगैरह होते हैं तो उन पर हल्की हल्की जो है वो घास वगैरह उगी होती, इसको हम लोग कहते हैं ये ड्राई क्लाइमेट है। नेक्स्ट है ह्यूमिड मिडल लैटिट्यूड क्लाइमेट, द एरिया फॉलिंग अंडर दिस क्लाइमेट्स कैटेगरी एक्सपीरियंस वार्म, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ड्राई समर होती है, या कूल एंड वेट विंटर, यानी इसमें जो है वो जो है मौसम वेट वाला भी होता है, ठंडा भी होता है, ड्राई समर भी होती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। ह्यूमिड मिडल लैटिट्यूड क्लाइमेट ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट, यानी उसमें इसने दिखाया गया है कि यहाँ इस तरह का मौसम होता है, यहाँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या ड्राई समर होता है, या बहुत ज़्यादा गीला मौसम होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, रेनफॉल इज़ नॉट हाई इन दिस एरियाज़, यानी जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती इस एरिए में, टेम्परेचर्स वेरी अलॉट इन दिस सीज़न, एंड द एरिया एक्सपीरियंसिंग दिस वेदर कैन बी फाउंड इन द इंटीरियर रीजन ऑफ अ लार्ज लैंड मैसेस, यानी यहाँ पे जो बारिशें वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती हैं इन दिस एरिया, इस एरिया में टेम्परेचर्स वेरी यानी चेंज होता है अलॉट इन दिस सीज़न, यानी इस सीज़न में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, वेरी करता है। द एरिया एक्सपीरियंसिंग दिस वेदर, यानी इस वेदर की जो एरिया इस वेदर का एक्सपीरियंस करता है कैन बी फाउंड इन द इंटीरियर रीजन ऑफ अ लार्ज लैंड मैसेस, यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इन अ लैंड एंड सबेरिया, आप देख सकते हैं कि ये जो ज़्यादातर वेदर जो है वो कैनेडा एंड सबेरिया में है, वहाँ पर जो है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है
कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट द एरिया हैविंग दीज टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आर वेरी कोल्ड, यानी ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. सम पार्ट ऑफ आर परमानेंटली कवर्ड विद आइस, यानी कुछ ऐसा हिस्सा है जो परमानेंटली जो है वो बर्फ़ के साथ कवर हुआ होता है. जनरली ओनली फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर हैव अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर, और जबकि कुछ ऐसे चार महीने होते हैं जिसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, यानी जिसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है और जो है वो बर्फ़ वगैरह का बर्फबारी पड़ती है. इसको कोल्ड क्लाइमेट का नाम, कोल्ड क्लाइमेट इन ग्रीनलैंड, यानी कोल्ड क्लाइमेट जो है वो ग्रीनलैंड में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट है द अर्थ चेंजिंग क्लाइमेट्स, यानी अर्थ जो है, ज़मीन जो है वो चेंज करती है. चेंजिंग द क्लाइमेट्स, यानी क्लाइमेट जो है उसकी चेंज होने की बहुत सारी वजूहत ये भी हैं. द अर्थ क्लाइमेट्स इज चेंजिंग, यानी अर्थ का जो क्लाइमेट्स है वो चेंजिंग है. रैपिडली सीन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी पिछले कुछ सालों में इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो क्लाइमेट्स है वो चेंज हो रहा है रैपिडली, यानी बहुत तेज़ी से. ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड चेंजिंग लाइफ साइकल्स आर काजिंग दीज चेंजेस, और इसकी चेंजिंग की क्या वजूहत हैं, इसकी चेंजिंग की वजूहत हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल, यानी हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ चेंज हो रही हैं उसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है. एंड दीज चेंज रिजल्ट इन टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये जो चेंज है, ये जो तब्दीली है वो ग्लोबल वार्मिंग पे एज ए रिजल्ट करती है. मोर देन अ सेंचुरी अगो, यानी एक सदी पहले आप अगर आप देखें तो पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्टार्टेड बर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ कॉयल, यानी लोगों ने बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है कॉयल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस की उसको स्टार्ट कर दिया है. क्या करना, उसको बर्न करना, उसको जलाना. एंड द फॉसिल फ्यूल्स, यानी और जो जो हैं जो उसमें से जो मादे हैं फ्यूल के, वो जब खारिज होते हैं आर यूज टू पावर होम्स फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, और इसमें जो जो फ्यूल जो है, इस फ्यूल में से जो फॉसिल फ्यूल जो है वो जो निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोगों ने अपने घरों में फैक्ट्रीज में और व्हीकल्स में जो है उसको पावर के तौर पर यूज़ करते हैं. एंड द बर्निंग दीज फ्यूल्स, यानी इन फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द टेम्परेचर, और टेम्परेचर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ हीट ट्रैपिंग गैस, यानी जो है ये हीट ट्रैपिंग गैस है. And it is the main reason why the climate is changing and the earth is getting warmer. और यही एक वजह है जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और हमारी जो ज़मीन है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है उसको हम पढ़ते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किस तरह हमारे टेम्परेचर पे, हमारे क्लाइमेट्स पे जो है वो इफेक्ट करता है. द अर्थ वुड बी अ वेरी कोल्ड प्लेस इफ देयर वेयर नो ग्रीन हाउस गैसेज टू ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर, यानी हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ठंडी होगी या अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो ना ट्रैप करती हों, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ठंडा होगा इस वजह से. द अर्थ गेट्स एनर्जी फ्रॉम सन, यानी ज़मीन जो है वो सूरज से एनर्जी गेट करती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी की फॉर्म में, सूरज की रोशनी की शक्ल में हमारी ज़मीन जो है वो उसकी हीट को अब्सॉर्ब करती है. सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ अब्सॉर्ब बाय द अर्थ, यानी कुछ एनर्जी जो है वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाती है, जो उसकी सरफेस है ना, अर्थ सरफेस, उसमें जज़ब हो जाती है. जो बहुत सारी एनर्जी जो होती है जो सूरज से वो ज़मीन लेती है, विच हीट अप, यानी जो इसको गर्म कर देती है. एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बैक फ्राम द सर्फेस, बट बिफोर इट कैन एस्केप इन टू द आउटर स्पेसिस द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर अब्सॉर्ब सम ऑफ इट, यानी जब वो जो जितने हमारे ज़मीन की जो सतह है वो जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है वो कर लेती है, लेकिन जो बाकी वाली एनर्जी होती है ना वो बैक यानी वापस की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, और जब वो वापस की तरफ रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें से बहुत उसमें जो है वो बहुत सारी गैसेज बनती हैं, बहुत सारी जो गैसेज हैं वो उसमें शामिल हो जाती हैं, उस वो जो एनर्जी होती है, वो जो हीट होती है. एंड द ग्रीन हाउस गैसेज द टेम्परेचर अब्सॉर्ब सम ऑफ इट, और इनमें से बहुत सारी जो गैसेज होती हैं वो उसमें अब्सॉर्ब हो जाती हैं, एंड मेकिंग द एटमॉस्फेयर वार्मर, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. एज दैट एटमॉस्फेयर बिकम वार्मर, और जितना हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होगा, द अर्थ सर्फेस बिकम वार्मर टू, यानी जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा सूरज की तपिश जो है वो तेज़ होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी ज़मीन जो है वो गर्म होगी, उतनी ही ज़्यादा वो जो है उसका टेम्परेचर जो है वो हाई होगा. द ग्रीन हाउस इफेक्ट
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस का क्या इफ़ेक्ट है। ये देखें, यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो इसके इसमें पड़ रही है, लेकिन ये जो इसका सरफेस एरिया वो जितनी यहाँ से इसकी हीट जो है वो ऑब्जॉर्व कर सकता है उसको कर लेता है, और बाकी जो वो उसकी ऑब्जॉर्प्शन से जो ज़्यादा हीट होती है वो उसको रिफ्लेक्टेड बैक उसको यानी उसको वापस भेज देता है। एंड विजिबल एनर्जी फ्राम सन गैसेज थ्रू द पासिस थ्रू द ग्लास एंड हीट्स इन द ग्राउंड, यानी ग्लास के अंदर से गुजरती है और इसको जो है वो इसमें से ऑब्जॉर्व करती है जो जितनी गुजर चुकी होती है, बाकी इसको जो है वो हिट्स टू द ग्राउंड यानी ज़मीन की तरफ उसको हिट कर देती हैं। टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस यानी जो ग्रीन हाउस का टेम्परेचर वो बहुत हाई होता है। इंफ्रारेड हीट्स एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लास एंड हीट्स द ग्रीन हाउस, यानी जो इंफ्रारेड हीट्स होती हैं एनर्जी जो होती है वो इस पर पार्शली रिफ्लेक्टेड करती है ग्लास में, ये जो ग्रीन हाउस का ग्लास होता है ग्रीन हाउस का जो इसका जो ग्लास होता है, और जो बाकी वाली हीट होती है ना वो उसको जो है उसको इससे हीट मिलती है इससे जो सूरज की रोशनी से जो छुआएंगे मिलती हैं, और बाकी जो है वो इंफ्रारेड जो है ना वो उसमें से बहुत सारी ऐसी एनर्जी गैसेस निकलती हैं जो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यानी ये जो रेड कलर की यहाँ से निकल रही है ना हीट कर रही है ये हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी गर्म होगी उतना ही ज़्यादा ये इंफ्रारेड जो हीट है जो यहाँ से एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो बाकी वाली जो बच जाती है वो ऊपर की तरफ जा रही है ये हमारे टेम्परेचर को उतना ज़्यादा जो है वो गर्म कर देती है। नेक्स्ट है वाई इट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग कैसे इफेक्ट करता है। ग्रीन हाउस इज़ अ बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास, यानी ये ग्लास यानी शीशे की बनी हुई एक बिल्डिंग होती है। इट अलाउज सनलाइट टू एंटर बट ट्रैप्स द हीट इन साइड द बिल्डिंग सो डैट इट स्टेज वार्मर, यानी ये हीट को जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेती है। अब्जॉर्ब करने के बाद जो ये जो कैबिन बना होता है शीशे का ग्लास का वो जो है वो हीटेबल हो जाता है सो डैट इट स्टे वार्मर, जिसकी वजह से हीटेबल हो जब वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर वो जो है ना वो गर्म रहता है। इट स्टे वार्मर वो गर्म रहता है इवन व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर से ठंडा होता है बिकॉज अ ग्रीन हाउस गैसेज आल्सो लेट्स इन लाइट बट ट्रैप्स द हीट इन द एटमॉस्फेयर इट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जब वो अपनी जितनी एनर्जी वो उसने अब्जॉर्ब करनी होती है जब उसको वो कर लेता है और जो बाकी की एनर्जी है वो जब बाहर आउटसाइड यानी बाहर के जो ठंडे मौसम की तरफ उसको भेजता है तो ये जो बहुत सारी गैसेज होती हैं बहुत सारी गैसेज जो इसके अंदर होती हैं वो भी इसमें ट्रैप कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हीटेबल हो जाता है और उसको हम लोग कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेज यानी ग्रीन हाउस में से जो गैसेज निकलती हैं अब वो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस बट देयर आर अदर गैसेज टू, यानी इसमें और भी बहुत सारी गैसेज निकलती हैं जिसमें मीथेन है, अदर गैसेज हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेज जो हैं वो ग्रीन हाउस से निकलती हैं। सर्टेन एनिमल्स स्पेशली कोज एंड शीप्स एंड प्रोड्यूस मीथेन एज दे डाइजेस्ट द फूड, यानी जब वो उनकी डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा होता है जब वो अपनी खुराक को हजम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे जो जानवर हैं जिसमें कोज शीप हैं वो क्या करते हैं वो मीथेन गैस जो होती है ना उसको जो है वो जो उसको जो है वो खारिज करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है ट्रैश रिलीज मीथेन यानी वो मीथेन वगैरह को जो है ना वो अपने खारिज करते हैं। मैन्यूर रिलीज मीथेन एंड नेचुरल गैस मीथेन कोयलिंग मीनिंग रिलीज मीथेन, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं ये मीथेन गैस जो होती है उसको जो है वो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें खारिज करती हैं। अदर गैसेस इंक्लूड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड विच आर रिलीज बाय डिवाइसिंग दैट विद पम्पिंग एक्शन लाइक एरोसोल स्प्रे, यानी अगर आप कोई स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से कौन सी गैस जो है वो खारिज होती है, जैसे पौधों वगैरह पर कोई स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें उससे कौन सी गैस खारिज होगी, उसमें क्लोरोफ्लोर कार्बन्स यानी ये वाली गैस जो है वो खारिज होगी जो भी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएगी और उस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हीटेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलिंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से खारिज होती है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू हीट आर होम्स एंड ऑफिसेस, यानी जो फॉसिल फ्यूल होता है जिसको हम लोग बर्न करते हैं किसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए या अपने घरों को या अपने ऑफिसेस को जो है हीटेबल करने के लिए, एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स टू रन व्हीकल्स और ये जो है ये गाड़ियों के जो
जो गाड़ियाँ हैं वो भी इसको फ्यूसल फ्यूल को जो है वो बर्न करती हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से निकलती है। बर्निंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड अदर वेजिटेशंस, यानी इसके अलावा अगर आप जो हैं बर्न करते हैं या कटिंग करते हैं ट्रीज़ की या अदर जो वेजिटेशंस हैं, तो इसकी वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बर्न होगी, पैदा होगी। सम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, यानी इसमें से कुछ मैन्युफैक्चरिंग और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से भी हमारे एटमॉस्फेयर में हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑलमोस्ट 54.7% जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है, और इसमें से इस वजह से जो है ना हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी हीटेबल होता है। नेक्स्ट है, सम फर्टिलाइजर्स मिक्स विद सर्टन बैक्टीरिया इन द सोल टू रिलीज न्यूट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी फसलों वगैरह की जो अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग जो है वो सर्टन बैक्टीरियाज होते हैं ज़मीन पर जो हैं जो क्या करते हैं, जो न्यूट्रस ऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ करते हैं, यानी वो ज़मीन से बाहर निकालते हैं। सम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलीज न्यूट्रस ऑक्साइड, और जो न्यूट्रस ऑक्साइड जो ज़मीन से निकलती है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाता है, और हम लोग हमारी इस वजह से हमारी जो ज़मीन है वो दिन ब दिन उसका टेम्परेचर गर्म होता जा रहा है। नेक्स्ट है, लीकी फ्रीज़र एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर रिलीज फ्लोरिनेटेड गैसेज, यानी ये वाली जो है जो लीकी फ्रीज़र होता है या एयर कंडीशनर्स या रेफ्रिजरेटर वगैरह जो हैं वो कौन सी गैस को खारिज करती हैं, फ्लोरिनेटेड गैस होती है, और यूज्ड एज ए कूलेंट, यानी जो उसको ठंडा करने के लिए उसको कूल करने के लिए वो जो यूज़ करते हैं गैस उसको फ्लोरिनेटेड गैस कहते हैं, और वो जो है वो आबो हवा यानी हमारे जो टेम्परेचर है वो इसकी वजह से बढ़ जाता है, वो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वो ये वाली गैस को खारिज करते हैं। एंड सम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलीज, यानी बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो जो है फ्लोरिनेटेड गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में उसको खारिज करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है हमारा जो क्लाइमेट है उसकी वजह से इफ़ेक्ट करता है, और टेम्परेचर जो है वो इसी वजह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो मीथेन गैस है वो 30% जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड बिगेस्ट पार्ट है, यानी 54.7% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफरेंट जो वेस्ट से है उस वहाँ से खारिज होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि इसकी फ्यूसल फ्यूल जो है उसके बर्निंग होने की वजह से जो है, या आप बहुत ज़्यादा अगर दरख्तों या सब्जियों को कट कर देंगे तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी हमारे जो एटमॉस्फेयर में। उसके बाद हमारे पास है अदर गैसेस में हमने क्लोरोफ्लू कार्बन गैस के बारे में पढ़ा, यानी जो स्प्रे वगैरह की जाती है पौधों पे उससे जो गैस निकलती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रस ऑक्साइड गैस थी, यानी फर्टिलाइज़र के लिए जहाँ हम लोग बैक्टीरिया वगैरह जो ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं फर्टिलिटी के लिए, उसमें से जो न्यूट्रन ऑक्साइड गैस निकलती है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को चेंज करती है, उसको वार्म करती है। नेक्स्ट इज जो अदर गैसेज हैं, यानी फ्रीज़र और एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर वगैरह जो हैं जब किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसमें से भी गैस निकलती है, और वो जो गैस होती है वो फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं, और ये भी हमारे एटमॉस्फेयर पे अफेक्ट करती हैं, हमारी जो हमारा जो टेम्परेचर है उस पर असरअंदाज होती हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट इज़ चेंजिंग, द क्लाइमेट्स चेंज, यानी हाउ मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट क्लाइमेट्स में, हम जो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्लाइमेट्स है वो कैसे चेंज होता है। द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग, द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज़ चेंजिंग, वी कैन सी दिस चेंज एनी वेयर, हाउ विल दिस चेंज अफेक्ट अस, यानी हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसे चेंज होता है, वो ज़मीन पर कैसे इफ़ेक्ट करता है, और ये हमारी जो इसकी जो चेंजिंग हैं वो हमारी लाइफ पर किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं। स्नो एंड आइस आर मेल्टिंग फास्ट इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, यानी जो बर्फ़ है जो वो सो नॉर्थ और साउथ पोल्स में जो बर्फ़ है बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही है, और उसकी फास्ट मेल्टिंग की वजह से क्या है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग वेरी फास्ट स्पेशली इन आर माउंटेन्स, यानी हमारे पहाड़ों वगैरह पे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। एंड द मेल्टिंग आइस इज फिलिंग अप इन द ओशन, और ये जो आइस यानी ये जो बर्फ़ है जब ये मेल्ट होती है तो उससे जो पानी बनता है तो वो हमारे जो है ओशंस वगैरह में उसका हिस्सा बन जाता है,
को फिलअप कर देता है एंड मेकिंग दम ओवरफ्लो। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है इनमें, ऑन लैंड विल रिजल्ट इन फ्लड्स, और तो ये ज़मीन की तरफ मूव कर जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लड जो है वो हमारे यानी ज़मीन का जो है उसको वो आ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा जो हमारा क्लाइमेट जो है उससे इफेक्ट करता है। एंड द वाटर इज़ वार्मिंग अप एंड टेकिंग मोर स्पेस एंड ओवरफ्लो मोर, यानी जितना ज़्यादा पानी जो है वो ओवरफ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा वो हमारे जो है वो ज़मीन को कवर करता जाएगा, एंड दिस इज़ रिजल्टिंग इन फ्लड्स, और भी ये जो है फ्लड की शक्ल में जो है हमारी जो है वो ज़मीन को ख़राब कर देता है, उसको तबाह कर देता है। उसके बाद है लो लैंड्स एंड गेटिंग फ्लडेड लाइक, यानी जो एरिया जितना ज़्यादा लो होगा उसमें ज़्यादा उतना ही ज़्यादा फ्लड के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। इसमें कौन है, लाइक अ बांग्लादेश पीपल इन दीज लैंड्स हैव टू मूव फ्रॉम देयर, यानी बांग्लादेश जो है वो एक लोअर एरिया है, यानी बहुत जो है ना वहाँ की ज़मीन जो है वो नीचे है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड के जो डेंजर यानी फ्लड के जो आप चांसेस हैं वो ज़्यादा देख सकते हैं, और इस वजह से लोग जो हैं वो वहाँ से यानी उस ज़मीन से मूव कर जाते हैं जहाँ पे वो अपनी जो है वो सेफ महफूज करते हैं, वो उस तरफ वो मूवमेंट कर लेते हैं। डिसीज फ्लोरिश इन वार्म वेदर, यानी जो गर्म मौसम है इसमें बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो भी फैलती हैं, एज अर्थ वॉर्म्स डिसीज स्प्रेड मोर, यानी जो ज़मीन में कीड़े वगैरह होते हैं अर्थ वॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो डिसीज़ हैं वो फैलाते हैं। टिक एंड मॉस्किटोज डैट कैरी डिसीज लिव लॉन्गर, इसी तरह जो मॉस्किटोज वगैरह हैं ये भी बहुत सारी जो डिसीज़ हैं वो हम कैरी ऑन करते हैं और जो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। द मॉस्किटो डैट कैरी मलेरिया, यानी मॉस्किटो की वजह से हमें कौन सी बीमारी लग सकती है, मलेरिया वगैरह। द वेदर इज़ बिकमिंग मोर वायलेंट एंड अनप्रडिक्टेबल, अनप्रडिक्टेबल साइक्लोन हॉरिकॉन्स एंड स्टॉर्म्स आर बिकमिंग मोर पावरफुल, इसी तरह जो तूफान हैं आंधियाँ हैं और जो बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स वगैरह हैं पावरफुल जो स्टॉर्म्स हैं वो हमारे जो वेदर है वो अनप्रडिक्टेबल उसको जो है वो ख़राब कर देती हैं, उसको तबाह कर देती हैं। डेजर्ट एरिया आर इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से ये जो सहरा का जो एरिया है जो डेजर्ट एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। सम पीपल, कुछ लोग जो हैं आर एक्सपीरियंसिंग हैवी रेनफॉल, यानी वहाँ पे जो हैं कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, वाइल अदर हैव लिमिटेड, या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत कम होती है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे नो रेनफॉल, यानी जहाँ पे बारिश वगैरह का होती नहीं है, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हों बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो तो फ्लड का जो अंदेशा है यानी वो जो सैलाब वगैरह है वो बढ़ जाता है। इसी तरह ये अनलिमिटेड है तो उस वो भी हमारे जो जो क्लाइमेट है उस पे इफेक्ट करती है, और अगर बारिश हो ही ना तो फिर वहाँ पे ड्रॉट वगैरह यानी जो खुशक साली है ना उसके जो जो खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं। राइजिंग टेम्परेचर में कॉज ड्रॉट्स, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ जाना जो है वो खुशक साली उसकी वजह बन सकती हैं। क्रॉप्स नीड स्पेसिफिक कंडीशंस टू ग्रो वेल, यानी जो फसलें हैं उनको एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए जिससे वो अच्छी तरह ग्रो कर सकती हैं। क्लाइमेट चेंज वुड हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट, इसी तरह जब मौसम जो है वो अगर चेंज होता है तो वो उन पर नेगेटिव भी और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों यानी दोनों तरह से इफेक्ट कर सकता है। वे टेम्परेचर और हॉट, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होगा मोर हीट होगी एंड कुड हॉट क्रॉप्स, और इसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं हमारी जो फसलें हैं उसे हर्ट होंगी उसे ख़राब हो जाएंगी। वे टेम्परेचर आर कूलर, और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा वार्मर वेदर होगा कुड हेल्प सम क्रॉप्स ग्रो बेटर, यानी अगर टेम्परेचर जो है वो ठंडा भी हो और उसके साथ गर्म भी हो तो वो हमारी जो क्रॉप्स हैं उसको ग्रो बेटर यानी उसको बेहतर तरीके से ग्रो करेगा। एज इट बिकम्स वार्मर पीपल मे नीड टू रिमेन कूल, यानी अगर जो है मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा एंड पीपल नीड टू रिमेन कूल दे मे बी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी मोर इलेक्ट्रिसिटी वुड नीड टू प्रोड्यूस बट द प्लेस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी मे नॉट हैव इनफर्टर टू डू डो सो, यानी आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा मौसम गर्म होगा लोगों को उतना ही ज़्यादा खुद को ठंडा रखने की ज़रूरत होगी, यानी जब टेम्परेचर हाई होता है तो हम लोग जो है वो एसी वगैरह का यूज़ ज़्यादा कर देते हैं एंड दे में यूज़ मोर इलेक्ट्रिसिटी, और जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, और जितनी ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे मोर इलेक्ट्रिसिटी वुड नीड टू प्रोड्यूस, और उतनी ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम लोग उसकी प्रोडक्शन भी करें। बट द प्लेस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बना रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है मे नॉट हैव इन वाटर, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी ना हो उसकी ज़रूरत के मुताबिक तो ये जो है ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है वाटर
टू डू सो, यानी जितनी ज़्यादा गर्मी होगी हम लोग उतना ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और उनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी जो बिजली है वो ज़्यादा खर्च होगी, फिर उसकी जो प्रोडक्शन है वो उतनी ही ज़्यादा होने के लिए वहाँ पर उतने ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो एक सारा साइकिल है, ये जो एक सर्कल चलता है, ये इफ़ेक्ट करता है। दीज क्लाइमेट्स चेंज विल अफेक्ट पीपल, और ये जो आबो हवा चेंज होती है ये इफ़ेक्ट करती है लोगों पे। पीपल नियर कोस्टल एरियाज़ में लूज देयर हाउस ड्यू टू राइजिंग ऑफ सी लेवल, यानी वो लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो समंदरी इलाके में रहते हैं यानी उनके करीब रहते हैं, वो जब उसकी सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पानी की सतह, तो उसकी वजह से उनके जो है वो अपने घरों वगैरह को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, और ये भी उन पर इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद है एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन कोल्ड प्लेस, यानी वो जानवर और पौधे जो कोल्ड प्लेस में रहते हैं, मे नॉट हैव अ सूटेबल प्लेस टू लिव, यानी वो उनके लिए सूटेबल प्लेस नहीं होती है। इफ़ द अर्थ बिकम वार्मर, अगर ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा वार्मर हो, एंड मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीस में भी एग्जिट, यानी अगर तो बहुत सारे जानवर और पौधे जो हैं या तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में भी जो है वो सूटेबल नहीं है उनके लिए, और अगर यही ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, और उसके बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी बहुत सारे जो ऐसे पौधे हैं जो गर्मी की वजह से जो है वो गल सड़ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो है वो ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं, एंड मे बिकम एग्जिट, यानी वो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। एज ए टेम्परेचर बिकम वार्मर, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई होता जाएगा, वाइल्ड फायर्स में अकर मोर ऑफ्टन एंड बर्न डाउन होल फॉरेस्ट, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई होता जाएगा उतने ही जो वाइल्ड फायर्स हैं यानी जंगलात में जो आग लगने के जो खतरात होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऑलमोस्ट जो सारा फॉरेस्ट वगैरह होता है वो जो है वो जल जाता है। अगर टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो वाइल्ड फायर्स हैं उनके भी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और उनके चांसेस ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो जंगलात का एरिया है वो जो है वो तबाह हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 मूव ऑन द चैप्टर नंबर 5। इन चैप्टर नंबर 5 वी रीड अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स। What are the natural disasters? Natural disasters क्या होते हैं? The earth is always changing, यानी ज़मीन जो है वो हमेशा चेंज होती आ रही है। Sometimes change are small, बाज़ुकात change जो है जो changes आते हैं वो बहुत short होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, and we don't feel them, और हम लोग जो है इनको फील नहीं करते हैं। द अर्थ इज़ ऑलवेज चेंजिंग, समटाइम्स चेंज आर स्मॉल एंड वी डोंट फील दैम, यानी बाज़ुकात जो चेंज आते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं। अदर टाइम्स दिस चेंज आर अ ह्यूज एंड कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट, और बाज़ुकात ये जो चेंज आते हैं ये बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी डैमेज हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स आर डिजास्टर्स, यानी ये ऐसे डिजास्टर्स हैं डेट ऑकर नेचुरली, यानी जो कुदरती तौर पर जो है वो आते हैं, यानी इसमें कोई किसी इंसान का कोई कसूर नहीं होता, यानी नेचुरली होते हैं। जिसमें एग्जांपल्स उन्होंने क्या कि ये अर्थक्विक, यानी ये जो जलजला वगैरह आता है, फ्लड है, उसके बाद टोर्नेड्स है, तूफान वगैरह हैं, ड्राउट्स, खुशक साली अगर आप देखें, उसके बाद सुनामी वगैरह हैं, यानी ये सारे जो हैं ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं। एंड अवलेंचेस हैं, यानी ये जो बर्फ़ानी तोदे वगैरह गिरते हैं, और लैंडस्लाइडिंग है, यानी पहाड़ों से जो लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है, ये नेचुरली एक प्रोसेस है, इसमें किसी इंसान का कोई जो है उसमें अमल दखल नहीं है, ये नेचुरल होते हैं। ये डिज़ास्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी टाइम जो है वो हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हमारी ज़मीन को चेंज कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। द टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। अर्थक्विक्स एंड फ्लड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन पाकिस्तान, यानी अगर आप पाकिस्तान में देखें जो अर्थक्विक है, यानी ये जो जलजला वगैरह है, या फ्लड है, सैलाब वगैरह, ये जो है ये हमारी जो यहाँ पाकिस्तान में जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है किसकी, नेचुरल डिजास्टर्स की। अर्थक्विक आर वायलेंट ट्रेम्पोर्स ऑन द अर्थ सर्फेस, यानी ये जो है ये ज़मीन की सतह से ही एक वायलेंट ट्रेम्पोर होता है, यानी ज़मीन की सतह से ही ये रोनुमा होता है,
जिसकी वजह से देर में हैव बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन पाकिस्तान। जैसे कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत दफ़ा जो है ये जल्जले वगैरह आए हैं। सम इंक्लूड्स द कश्मीर अर्थक्वेक्स ऑफ 2005, यानी 2005 में जो जल्जला आया था, डेट क्लेम्स द लाइव्स ऑफ 80,000 पीपल्स इन नॉर्थन पाकिस्तान। यानी इसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ पाकिस्तान है उसमें ऑलमोस्ट 80,000 लोग जो थे वो अपनी ज़िंदगियां खो गए थे। यानी यहाँ इस 2005 में जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स में जो अर्थक्विक हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जल्जला जो आया था उसकी वजह से ऑलमोस्ट जो हमारे 80,000 लोग जो थे ना वो हमने खो दिए थे इसकी वजह से। एंड अफगानिस्तान अर्थक्विक ऑन 26 अक्टूबर 2015 डेट क्लेम 294 लाइव। इसी तरह अफगानिस्तान में जो जल्जला आया था 2015 में उसकी वजह से 294 लाइव, यानी 294 लोग जो थे वो हमारे इस दुनिया से चले गए थे इस नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, इस अर्थक्वेक की वजह से। नेक्स्ट फ्लड, फ्लड्स आर व्हेन रेनफॉल मोर देन द ग्राउंड कैन अब्सॉर्ब। यानी अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाए ज़मीन पे कि ज़मीन उसको अब्सॉर्ब ना कर पाए, यानी उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो फ्लड की शक्ल में आ जाती है। दे हैव बीन मैनी फ्लड इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में बहुत दफ़ा जो है वो फ्लड वगैरह, यानी ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है इसको देखने में हमने देखा है। फ्लड्स डिस्ट्रॉय द लाइफ स्टॉक्स एंड क्रॉप्स ऑफ प्लेस, यानी फ्लड की वजह से जो बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक है और जो बहुत ज़्यादा फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फ्लड्स अफेक्ट पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर, यानी फ्लड जो है अफेक्ट करता है लोगों पर लॉन्ग टाइम बिकॉज their belongings are destroyed, क्योंकि उसकी उनकी जो यानी belongings हैं वो destroy हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। people have to migrate to other places as their homes are damaged, यानी लोग जो हैं वो दूसरी जगहों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, क्योंकि उनके जो घर हैं वो से डैमेज हो जाते हैं। द 2010 फ्लड्स ऑफ पीपल पाकिस्तान कॉज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टू ऑल द प्रोविंसेस, यानी 2010 में एक सैलाब आया था जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा जो है वजूहात बनी थी, कॉज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी बहुत ज़्यादा जो तबाही हुई थी टू ऑल द प्रोविंस, यानी तमाम सूबों में। उसके बाद है ड्रॉट्स ऑफ when there is a very less rainy fall and the people don't have water to drink to use, famine follow a drought, and famine is when people and animals have very less food to eat and water to drink। इसी तरह ये जो खुशक साली है ये जब बहुत ज़्यादा बारिशों जो है वो कम हो, यानी बारिशों का होना बिल्कुल जो है ना होने के बराबर हो, तो उसकी वजह से लोगों को पीने के लिए भी पानी जो है वो भी नहीं मिलता, और जिसकी वजह से जो है वो ज़मीन खुशक हो जाती है, और ज़मीन के खुशक होने की वजह से लोग और जो जानवर हैं उनको खुराक कम मिलती है। ज़ाहिर सी बात है अगर ज़मीन खुशक हो जाएगी तो वहाँ पर पौधे भी नहीं उगेंगे, तो जिसकी वजह से लोगों को खुराक नहीं मिलेगी, जानवरों को और पौधों को, और जिसकी वजह से वो खाना पीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर्स है जिसको ड्रॉफ्ट का नाम दिया, यानी खुशक साली का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो। टॉर्नेडोज आर स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग वाइंड्स डैट डिस्ट्रॉय एवरी थिंग डैट कम्स टू इट्स पॉथ, यानी ये एक ऐसा तूफान होता है। टॉर्नेडोस गोल, आपने देखा होगा, गोल शक्ल में राउंड में चलता जाता है और इसके अंदर जो जो चीज़ें आती जाती हैं वो इसको तबाह करता जाता है। ये कितना बड़ा तूफान होता है। टॉर्नेडोज आर मोर कॉमन ऑन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दैन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अलावा ये जो दूसरे इलाके हैं ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी ये जो दूसरे कंट्रीज हैं ये वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। सुनामी अकर, यानी सुनामी जो है ये, अब सुनामी के बारे में जो नेचुरल डिज़ास्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे। सुनामी अकर व्हेन देयर इज़ अ अर्थक्वेक इन द ओशन, यानी जब समंदर में जो है वो जल्जले वगैरह आते हैं, टाइडल वेव्स राइजेस, यानी तो उसकी जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं। द अर्थ इज़ ऑलवेज चेंजिंग, समटाइम्स चेंज आर स्मॉल एंड वी डोंट फील दैम, अदर टाइम दीज चेंजेस आर ह्यूज एंड कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट, यानी बाज़ औक़ात ये इतने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं हमारी जो ज़मीन है कि हम लोग जो हैं उसके डैमेज होने के, एनवायरनमेंट के डैमेज होने का जो है वो खतरात बढ़ जाते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स
आर डिज़ास्टर्स डैट अकर नेचुरली, यानी नेचुरल डिज़ास्टर ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जो बहुत नेचुरली जो हैं वो होते हैं. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स आर अर्थक्वेक, फ्लड, टोर्नेडोज, ड्रॉट, सुनामी, एवलॉन्चेस एंड लैंड स्लाइडिंग्स. यानी ये सारी जो है ये नेचुरल डिज़ास्टर्स की टाइप्स हैं. उसके बाद हैं एवलॉन्चेस आर वैन स्नो वायलेंटली फॉल डाउन फ्रॉम द पीक ऑफ द माउंटेन. एंड वियर्स लैंड स्लाइडिंग्स आर वैन मैसिव rock fall down from the top of the mountain. And these sites are usually seen in the northern area of Pakistan. यानी avalanche में कहते हैं कि जो बर्फ़ का एक बहुत बड़ा तोदा जो होता है वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है और उसका कोई वक्त नहीं होता, वो किसी भी टाइम एट द स्पॉट जो है वो ज़मीन की यानी वो अपनी बुलंदी से नीचे की तरफ मूव कर जाता है. और इसी तरह जो लैंड स्लाइड्स में आपने देखा होगा कि जो है वो मैसिव रॉक होती है जो नीचे की तरफ मूव करती है और उसके नीचे की मूव करने की वजह से बहुत सारे जो है वो नुकसान हो जाते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ की चोटी से ही नीचे की तरफ रॉक जो है वो गिरती है. और सीन इन द नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के जो नॉर्थन एरियाज हैं वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं. नेचुरल डिज़ास्टर्स आर सडन एंड मोस्टली कम विदआउट अ वार्निंग. यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स ये होते हैं जो मोस्टली अचानक या बहुत ज़्यादा जो है विदाउट वार्निंग यानी वार्निंग के बगैर ही जो है ना ये रोनुमा होते हैं. वैन स्टक इन अ डिज़ास्टर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर योर फूड एंड वाटर सप्लाई एंड गेट टू सेफ प्लेस. यानी जब ये डिज़ास्टर्स आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जो है वो सिक्योर प्लेस पर मूव कर जाएँ, हमारी जो खुराक है, जो पानी सप्लाई है, एंड गेट सेफ इन एन अर्थक्वेक. द सेफेस्ट थिंग इज़ टू रश आउटसाइड इन एन ओपन एरिया. यानी हमें जो है वो ओपन एरिया की तरफ जो है वो मूव करना पड़ता है. एंड गवर्नमेंट टेक्स लार्ज सॉर्ट्स ऑफ मेजर्स टू प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स. यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स से हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए. समटाइम्स दे आस्क पीपल्स टू इवेल्यूएट प्लेसिस, यानी एकोलेट प्लेसिस पे उन्हें पहुँचाना चाहिए. वैन द नेचुरल डिज़ास्टर्स इज सडन पीपल एजिस्ट ईच अदर्स टू गेट टू सेफ प्लेसिस. यानी एक दूसरे की जो है हमें हेल्प करनी चाहिए जिससे हम लोग जो है वो सेफ जगह पे जो है खुद को मूव कर सकें. नो मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट. फर्स्ट वी डिस्कस द आंसर क्वेश्चंस. Our climate, write the short answers for the following questions. कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं उनके क्वेश्चन हैं उनके आंसर देते हैं. नंबर वन इज डिफाइन प्रीसिपिटेशंस एंड इट्स टाइप्स. एनी काइंड ऑफ वेदर कंडीशन any kind of weather conditions where something is falling from the sky is precipitation, जैसे रेन है, स्नो है, स्नोफॉल एंड हेल वगैरह आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ precipitations. Number two question is why climate are different across the entire world. Why climate is different, yani jo climate hai wo kaise different hota hai. The entire world explain. Why climates are different across the entire world explain. यानी जो क्लाइमेट है वो जो इंटायर वर्ल्ड है वो एक वहाँ पर कैसे डिफरेंट होता है. द क्लाइमेट आर डिफरेंट अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड. क्लाइमेट्स आर डिफरेंट
क्रॉस ऑल द वर्ल्ड places near the equator, यानी जो places जो equator के ज़्यादा करीब होती हैं और hotter उतनी ज़्यादा गर्म होती हैं and have a lot of rainfall, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जो जितनी ज़्यादा दूर होती हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इसी तरह डिस्टेंस है जितनी ज़्यादा दूर होंगी फ्रॉम द इक्वेटर वहाँ पे उतना ज़्यादा क्लाइमेट जो है क्लाइमेट हाई उतना ज़्यादा होगा बस वहाँ पे हाई होगा. What are tornadoes? Tornadoes क्या कहते हैं? Tornadoes are strong rotating wind होती है, यानी ये गोल चक्कर में जो तूफान वगैरह आते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये tornadoes हैं. Tornadoes are strong rotating winds that destroy everything, यानी जो हर चीज़ जो है उसको destroy कर देती हैं, that comes to the path tornadoes are more common in other parts of the world. यानी पाकिस्तान में आपको इस तरह का कोई देखने को चांस नज़र नहीं आएगा. ये जो दूसरे पार्ट्स हैं वर्ल्ड के वहाँ पे ये इस तरह के जो तूफान वगैरह आते हैं जो गोल चक्कर में होते हैं और वो जो उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो उनको साथ जो है वो लेके जो है समेट के तो वो तबाह कर देते हैं. वट इज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हाउ डज इट इफेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट पे. A greenhouse is a building made of glass, yani jo glass se bani hoti hai. The greenhouse gases lets in light but traps the heat in the atmosphere. यानी ये जो इसमें से जो गैसेस निकलती हैं जो ग्रीन हाउस से वो लाइट होती हैं लेकिन ये ट्रैप कर देती हैं हीट इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जो है इनसे बहुत ज़्यादा हीट जो है वो बन जाती है. डैट्स अ रीज़न जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. द अर्थ गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. Sunlight and this is the as atmosphere become warmer, जिसकी वजह से हमारा जो atmosphere है वो गर्म हो जाता है, becomes warmer and the earth surface become warmer too, और इसकी वजह से हमारी जो ज़मीन की सतह है वो भी गर्म हो जाती है and earth surface form.
यानी ज़मीन की जो सतह है वो भी इसकी वजह से गर्म हो जाती है। वो गैसेस जो ग्रीन हाउस से निकलती हैं वो होती तो लाइट हैं लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है और वो बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करके हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और उसमें उसकी वजह से हमारा जो सरफेस एरिया है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 and here is a differentiate between the weather and the climate. वेदर और क्लाइमेट को आप कैसे differentiate कर सकते हैं, इन दोनों में कैसे आप जो है बता सकते हैं कि ये difference है क्लाइमेट में ये है वेदर में ये है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी जो क्लाइमेट है ये लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो इसको बताया जाता है कि हमारा जो लॉन्ग पीरियड में है यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा। एंड वेदर इज़ अ डे टू डे पैटर्न है, क्लाइमेट इज़ एवरेज, यानी इसमें से एक एवरेज देखी जाती है, एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। एंड वेदर इज डे टू डे डे टू डे पैटर्न है। नेक्स्ट द डिफरेंस नंबर 2, क्लाइमेट चेंज ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो है ग्रेजुअली यानी बहुत कम जो है वो चेंज होता है बहुत लंबे अरसे के लिए, ये सेम चलता रहता है। क्लाइमेट चेंज ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जबकि वेदर जो है वो एवरीडे चेंजिंग है, यानी डेली बेसिस पे वेदर जो है वो चेंज होता है। एवरीडे चेंज वेदर चेंज एवरी डे समटाइम्स इन और, यानी बाजुका जो है वो ऑर्स में भी जो है हमारा वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। एंड द डिफरेंट नंबर 3 इज क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म, यानी क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। जबकि जो वेदर है इज़ अ शॉर्ट टर्म यानी टेम्परेरी होता है, ये किसी भी टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। यानी अभी अगर मौसम गर्म है तो क्या पता थोड़ी देर बाद बारिश वाला हो जाए, ये जो शॉर्ट टर्म इसलिए इसको कहते हैं ये शॉर्ट टर्म है एंड टेम्परेरी है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट इज रीजनल, यानी ये ओवरऑल देखा जाता है इस रीजनल, जबकि वेदर जो है वेदर इज़ लोकल, यानी इसको लोकली जो है वो आप मेजर करते हैं इस लोकल। ये थे डिफरेंशिएट थे बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, यानी जो क्लाउड्स की आपने टाइप्स पढ़ी थी उसको जो है वो आइडेंटिफाई करें, उसको एक्सप्लेन करें कि आपने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी और वो उसको आप दूसरों से कैसे जो है वो देख सकते हैं कि ये जो है ये दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट है। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। नंबर 1 इज सिरकस क्लाउड्स, दे आर द मोस्ट कॉमन क्लाउड्स, यानी आपको जो मोस्ट हैं इस तरह के जो बादल हैं वो देखने में मिलेंगे, मोस्ट कॉमन क्लाउड्स। दे आर मेड ऑफ आइस एंड आर थिन क्लाउड्स, यानी ये बर्फ़ की तरह के होंगे या थिन क्लाउड्स होंगे, ब्लाउन इन आ हाई वाइंड्स, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची हवा में आप इनको देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊंचे उड़ते हैं। क्लाउड्स आर यूजुअली वाइट, यानी ये वाइट कलर के होते हैं, यूजुअली इन वाइट कलर। वाइट कलर एंड फेयर, एंड ये हैं फेयर वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं, फेयर वेदर
प्रडिक्शन, यानी इनकी जो प्रडिक्शन होती है वो ये है कि जो वेदर है, जो मौसम है वो फेयर है. नेक्स्ट इज स्टर्टर्स क्लाउड्स. दीज आर द यूनिफॉर्म ग्रेशियस क्लाउड्स ग्रेशियस यानी ग्रे कलर के होते हैं, ग्रेशियस क्लाउड्स होते हैं क्लाउड्स एंड ऑफ्टन कवर द इंटायर स्काई, यानी इन्होंने पूरे आसमान को जो है वो कवर किया होता है. दे रिजेंबल्स फॉग, यानी फॉग की तरह ये रिजेंबल्स करते हैं. Like fog, but not reach the ground. लेकिन ये जो है ये भी fog की तरह होते हैं. लेकिन fog तो हम लोग देखते हैं ना कि ये ज़मीन तक जो है वो पहुँची होती है, लेकिन ये but not reach the ground, लेकिन ये ज़मीन तक नहीं पहुँचते. Next is the third type of clouds are cumulus clouds. Cumulus clouds are white. They are in white color. जैसे पहले हमने पढ़ा था, जो पहले वाले हैं वो भी जो है वो हमने उसमें पढ़ा था, जो cirrus clouds होते हैं ये most common clouds हैं, यानी जो आजकल हमें ये बर्फ़ की शक्ल में होते हैं, यानी इनका जो कलर होता है वो आइस में होता है. और दूसरे जो हमने पढ़े थे वो ग्रेश होते हैं, यानी ग्रे कलर में. अब ये जो cumulus clouds हैं दे आर वाइट, यानी ये वाइट होते हैं. अगर आप आसमान की तरफ देखें जो आपको वाइट नज़र आएंगे, एंड पफी, यानी एक पफ की शक्ल में होते हैं. पफी क्लाउड्स हैं डैट लुक लाइक अ पीस ऑफ फ्लोटिंग कॉटन. यानी आप इस जब आप इसको देखेंगे तो ये ऐसे आपको महसूस होगा कि ये एक फ्लोटिंग यानी उड़ता हुआ एक कॉटन, यानी जो है ना ये रुई का एक गोला है, इसको आप इस तरह कह सकते हैं. लुक लाइक pieces of floating cotton. ये थी थर्ड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की. नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ग्रुप्स इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन एनी टू. यानी अब आप जो हैं वो क्लाइमेट्स जो थे, डिफरेंट जो टाइप्स थी क्लाइमेट्स की, उनके जो ग्रुप्स हैं उनको एक्सप्लेन करें, और इनमें से किसी दो की जो है वो आप इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन दें. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड, टू आर गिवन बिलो. नंबर वन इज मोस्ट ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. इसमें हमारे पास आ रहा है द टेम्परेचर रिमेन हाई, यानी इसमें जो है टेम्परेचर जो है वो रिमेन हाई. द टेम्परेचर remain high throughout the year. In the region, यानी इसमें जो है वो टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द ईयर हाई रहता है. डैट फॉल इन दिस कैटेगरी, यानी जो इसमें इस कैटेगरी में हम लोग उसको शामिल करेंगे. डैट फॉल इन दिस कैटेगरी and there is a large amount of rain throughout the year as well, a part of our country. या तो इसमें बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है, या बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होती है, या बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है ना वो इसमें आता है, क्योंकि या तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा बारिशें वगैरह होती हैं. एंड मॉइस्चराइजिंग रेन थ्रू आउट द ईयर, यानी या तो पूरे साल बहुत गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज मौसम होगा, रेनी सीज़न होगा. नेक्स्ट इज ड्राई क्लाइमेट. ड्राई क्लाइमेट में इन दिस क्लाइमेट दिस इज़ अ वेरी लिटल रेन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, बहुत कम बारिशें होंगी लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा. देर आर टू ग्रुप्स इन दिस क्लाइमेट, सेमी एरिड एंड एरिड. In this climate,
देर इज वेरी लिटल रेन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. देर आर टू ग्रुप्स इन दिस क्लाइमेट इज सेमी एरिड एंड एरिड. नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई इज क्लाइमेट चेंज हैपनिंग. व्हाई इज क्लाइमेट चेंज हैपनिंग यानी जो क्लाइमेट चेंज है वो क्यों हैपन होती हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल यानी हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से या हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है. चेंजिंग लाइफस्टाइल आर कॉजिंग यानी ये वजह है हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे क्लाइमेट के चेंज होने की. कॉजिंग दीज चेंजेस, दीज चेंजेस यानी ये जो चेंज है, ये जो तब्दीली है, result into global warming यानी ये global warming की भी वजह बनती है. more than a century ago people around the world around the world started burning यानी इन्होंने start कर लिया था बहुत ज़्यादा जलाना, burning large amount of oil and natural gases यानी इनके बहुत ज़्यादा burning की वजह से हमारे environment में बहुत ज़्यादा gases पैदा हुई, बहुत ज़्यादा उनका वहाँ का temperature जो है वो बढ़ गया, जिससे हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया. बर्निंग दीज फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर यानी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गई. एंड दैट इज़ हीटिंग, हीट ट्रिपिंग गैस यानी जो हीट जो है ये ट्रैप करती है, उसको छोड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है. बर्निंग दीज फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर दैट्स अ रीजन द क्लाइमेट इज चेंजिंग and earth is getting warmer. Next question number 5 is define a natural disasters and explain its type. Natural disasters kya hain aur iski types kya hain unko explain karein. Natural disasters are that occur naturally यानी जो naturally occur होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये natural disasters हैं. examples of natural disasters are earthquake number A, B is floods and tornadoes, drought, खुशकसाली वगैरह and tsunamis वगैरह. This is examples of natural disasters. This is the type of natural disasters. Now explain these types.
earthquake and flood, and explain any two. Number one is earthquake. There have been many earthquakes in Pakistan. Some includes the Kashmir, Kashmir earthquake in 2005 that claims the lives of 80,000 people. Next is flood. Number one and number two is flood. There have been many floods in Pakistan. Floods destroys destroy the livestock and crops. यानी फसलों को और जो लाइफ स्टॉक्स हैं ऑफ अ प्लेस उसको तबाह कर देते हैं. अफेक्ट द पीपल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारे ऊपर अफेक्ट करते हैं. लॉन्ग टाइम अफेक्ट द पीपल बिकॉज दे डिस्ट्रॉय देयर बिलोंगिंग्स belongings are destroyed. Next is choose the correct answers. Number one is weather. Weather is the atmosphere condition of a place at a certain period of time. They are made of ice and are thin clouds blown in the high wind. Is cumulus, is stratus, as a क्लाउड्स. ये क्लाउड्स की कौन सी टाइप है जो है जो आइस की शक्ल में होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो हवा में ऊंचे उड़ते हैं. क्यूमुलस क्लाउड्स आर स्ट्रेटस आर सीरियस क्लाउड्स. प्लेस नियर द इक्वेटर आर, जितना ज़्यादा आप इक्वेटर के करीब जाते जाएंगे द क्लाइमेट इज कोलर रेनी स्नोई हॉटर. Areas experience warm, dry summers and cool winter fall under the category of climate is humid mid latitude climate. Next question number 5 pe the dash release methane, yani kaun si aisi jo cheez hai, trash hai, natural gas hai and jo hai wo jo methane gas ko रिलीज़ करती है. ऑल ऑफ द अबव. बर्निंग और कटिंग डाउन ट्रीज़, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा कट डाउन कर देंगे ट्रीज़ को तो उससे बर्न कर देंगे तो उससे कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी. ये डैट इज़ नंबर 6 पे है. डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो दरख्त वगैरह हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसको यूज़ करते हैं और फिर इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमारे इन्वायरमेंट पे इसको छोड़ते हैं. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कटिंग कर देंगे या बर्न कर देंगे जो ट्रीज़ हैं तो इससे हमारे जो एटमॉस्फेयर है हमारा जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो एक्सेस हो जाएगी जिससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. लीकिंग फ्रीज़र एंड रेफ्रिजरेटर्स रिलीज़, ये कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं. फ्लोरिनेटेड गैस. स्नो एंड आइस आर मेल्टिंग फास्ट. स्नो एंड आइस आर मेल्टिंग फास्ट इन नॉर्थन एंड साउथ पोल. नॉर्थ और साउथ पोल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट करती है. डिजीज़ फ्लोरिश इन द वार्म वेदर, यानी जो गर्म मौसम है इसमें ज़्यादा जो है वो बीमारियाँ सामने आती हैं. राइजिंग टेम्परेचर में कॉज, यानी बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो किसकी उसकी क्या वजूहत हैं. आर ड्राउट्स, फ्लड या अर्थक्वेक, यानी जो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी जो ज़मीन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. ड्राउट हो जाए, यानी खुशक साली आ जाएगी. नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन दिस यूनिट. नंबर वन इज पीपल नेवर कोस्टल
कोस्टल एरियाज़ में लूज़ देयर हाउसेज ड्यू टू राइजिंग ऑफ सी लेवल, यानी वो लोग जो वो कोस्टल एरिया में रहते हैं, जब सी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से वो जो है वो अपने घरों को, यानी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाने की वजह से उनके घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। एज अ टेम्परेचर बिकम वार्मर, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो गर्म होता जाएगा, वाइल्ड फायर्स यानी जो जंगलात वगैरह में जो आग लगने के चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। डेजर्ट एरिया आर इंक्रीजिंग, यानी जो डेजर्ट एरिया है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है गर्मी वार्म वेदर की वजह से। उसके बाद है लो लैंड्स आर गेटिंग फ्लोडेड लाइक बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश जो है उसका जो फ्लो लैंड है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड के जो खतरात हैं वो ज़्यादा हैं। इन 2010 all of the Pakistani flood caused lots of destruction in the to all the provinces, यानी 2010 में जो सैलाब आया था उसकी वजह से जो तमाम सूबे हैं वो बहुत ज़्यादा तबाह हुए थे, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था उस पर। नेक्स्ट है द सुनामीज इज़ ऑलवेज जो है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट पे। ट्रू एंड फॉल्स में है, इन अर्थक्वेक द सेफेस्ट थिंग इज़ रश इनसाइड, यानी जो अर्थक्वेक है द सेफेस्ट थिंग इज़ टू रश इनसाइड, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। टर्नेडोज आर स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग वाइंड, यस इट्स आ ट्रू स्टेटमेंट, यानी जो तूफान होता है जो गोल शक्ल में आता है रोटेटिंग वाइंड होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो हमारी जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको तबाह कर देती है। ड्राउट्स अकर्स व्हेन देयर इज़ अ वेरी लेस रेनफॉल, अगर यानी बहुत कम अगर बारिश होगी तो जिसकी वजह से खुशक साली आएगी, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। क्लाइमेट चेंज विल नॉट इफेक्ट पीपल दैट मच, यानी जो क्लाइमेट चेंज है वो लोगों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता है, नो दिस इज़ अ स्टेटमेंट। द वेदर इज बिकमिंग मोर वायलेंट एंड प्रडिक्टेबल, यानी वेदर जो है वो बहुत ज्यादा मोर वायलेंट एंड प्रडिक्टेबल है, नो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हियर आर द यूनिट नंबर 3 इज कंप्लीटेड एंड मूव ऑन सम एक्सप्लोरिंग द वोकैबुलरी वर्ड्स, देयर आर द सम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। नंबर 1 इज एवरेज, एवरेज इज़ यूजली अमाउंट एक्सटेंट आर रेट, यानी एवरेज हम किसको कहते हैं जो यूजल अमाउंट होती है या रेट होता है उसको हम लोग एवरेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट, यानी स्लाइटली वेट अ डैम, यानी मॉइस्चराइज जिसको हम लोग कहते हैं ये बहुत थोड़ा बहुत गीला होता है इसको हम मॉइस्चराइज का नाम देते हैं। रिफ्लेक्टेड थ्रो बैक फ्रॉम अ सर्फिस, यानी रिफ्लेक्ट करना किसी चीज़ से टकरा के तो फिर वापस उसकी तरफ मूवमेंट, इसको हम रिफ्लेक्ट कहते हैं। ह्यूमिड वार्म एंड ड्रैप एयर क्लाइमेट, यानी ये ऐसा क्लाइमेट होता है जो वार्म होता है उसको हम लोग ह्यूमिड का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉडरेट, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स एंड माइल्ड क्लाइमेट, यानी ये माइल्ड क्लाइमेट होता है, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, अर्थ जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से उसको हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि टेम्परेचर जो है ज़मीन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। द यूनिट नंबर 3 इज़ कम्प्लीटेड, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट वाइसली। ओके अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।